इस प्राइस में आपको इससे बेटर, इससे किफ़ायती शायद ही कहीं मिलेगा। सो टाइम हो गया 5:28 और 5:30 तक हमारे प्रोडक्ट की डिलीवरी। आज वैसे 5 बजे उसका कॉल आ गया था, मॉर्निंग में वो डिलीवरी करने वाला था बट उसने करी नहीं, शायद उसको खुद का कुछ काम आ गया था। तो अब वो इवनिंग में कर रहा था, तो इवनिंग अब डिलीवरी लेने जाना है। वैसे आज बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है क्योंकि नई चीज़ जब घर में आती ना तो एक्साइटमेंट होती है, तो वही एक्साइटमेंट है। बाकी मैं व्यू दिखा देता हूँ आपको यहाँ का, जो कि मस्त व्यू रखा है। और सामने से ना आपको हिल्स का व्यू दिख जाएगा प्रॉपरली, यहाँ से ना प्रॉपरली व्यू आता है हिल्स का। और थोड़ा सा ना टेम्परेचर ज़्यादा जाने के कारण गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा है अभी। मैं विंडो से आपको दिखा देता हूँ, तो इस विंडो से ना प्रॉपरली हिल्स का व्यू आता है, तो आपको सामने से मे बी हिल्स दिख रही होंगी। और ये जो है ना, ये भी प्रॉपरली यहीं पे खड़ा रहता है पूरे दिन भर। तो अगर मैंने ये वाली विंडो खोल दी तो आपको ये पूरा दिन सुबह शाम यहीं पे मिलेगा। तो यहाँ से जो व्यू आता है ना, वो लाइक चाय और बाहर का नज़ारा, वो वाला व्यू आता है यहाँ से। तो ये तो यहीं पर खड़ा रहेगा। सो 5:29 हो चुके हैं और अभी जस्ट मुझे कॉल आया था कि मेरी डिलीवरी का पार्सल आ गया है, फटाफट चलते हैं अपना प्रोडक्ट लेते हैं और निकलते हैं उसे लेने। तो फर्स्ट टाइम है हमारा जब हम किसी कॉमर्शियल वेबसाइट से इतना बड़ा प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम है देखना ये रिव्यू इस टाइम पे यहाँ पे कैसा रिव्यू होने वाला है। ऊपर आप चला लेना, देख लेना, एक दो बंदा बुला लेना। सो फाइनली फ्लिपकार्ट की तरफ से हमें ये प्रोडक्ट आ गया है, और हमने 8 दिन पहले ऑर्डर किया था और 8 दिन के बाद अब फाइनली हमें ये मिला है। तो वेट करते हैं 4 से 5 दिन का, एजेंट आएगा वो खोलेगा, फिर उसके बाद देखते हैं आगे। और 4 दिन तक वेट करते हैं फाइनली। अच्छा, आधे घंटे में आ रहे हो आप? ठीक है भैया, ठीक है। नहीं वो हो रहा ना, बड़ी पार्टी है, बहुत सारे आदमी आ रहे हैं, ज्यादा जगह की जरूरत है, आप इसको निकाल के बाहर रख दो, और भी जगह चाहिए इसको बाहर निकाल दो, तो पूरा फ्रीजर आपको मिल जाएगा। ठीक है, पर बोला किसी भी चीज में जमा लो। हाँ, किसी भी चीज में, जैसे कोल्ड ड्रिंक की 2 लीटर की बोतल है, आइसक्रीम के बड़े पैकेट है, कुछ भी रखो आप, पूरा जगह, पूरी स्पेस मिल जाएगा। सही, और क्या रख सकते हो आप यहाँ पे आइसक्रीम के अलावा, जो भी चीजें आपको ज्यादा ठंडी चाहिए, जो लंबे समय के लिए चाहिए, जैसे मटर है, छील करके रख देते हैं आप, मटर का दाना, जो दालें हैं जैसे छोले हैं, राजमा है, जो आपको लंबे टाइम तक चाहिए कि बाहर रखी खराब हो जाती हैं, लंबे टाइम तक के लिए सुरक्षित चाहिए, वो सामान आप यहाँ पे रख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मसाले रख सकते हो, कौन से, जो पाउडर की फॉर्म है,
जैसा चना मसाला, चाट मसाला, मीट मसाला, इस तरह का जो पाउडर आता है चूर्ण टाइप, बाहर का खराब हो जाता है, सीला नहीं आते, वो आप यहाँ पर रख सकते हो। एक ही साथ फ्रिज कैसे बनाएं? सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना, वो विंडो बंद नहीं होनी चाहिए, हवा पास होनी चाहिए, हवा पास होनी चाहिए। वो कब और क्यों बंद होंगी? पन्नी के अंदर, पॉलिथीन के अंदर अधिकतर लेडीज क्या करती है, हरा धनिया, नींबू, मिर्च, पुदीना, अदरक पन्नी के अंदर डाला, गीठा लगाई और भर दिया, तो ये खुले रहने चाहिए ताकि हवा का स्पेस बाहर अंदर होते रहे, गैस बन जाएगा ना। ठीक है, जिसे फ्रेश लो चिलर ट्रे भी कह सकते हैं, आपके पुराने पुराने में चिलर ट्रे थी। जो चीज आपको ज्यादा ठंडी चाहिए, यानी ऊपर रखोगे तो बर्फ जम जाएगी, ठीक है, जो ठंडी चाहिए ना कि बर्फ जमाने वाला, कोल्ड ड्रिंक है तो ऊपर रखोगे बर्फ जम जाएगी, एक घंटा रखा चिल्ड हो जाएगी, तो उसके बाद याद रखो। मक्खन है, बाहर ऊपर रखोगे तो बर्फ जम जाएगी, आपने उसको यहाँ रख सकते हो। चॉकलेट है, ऊपर रखोगे बर्फ जमेगी, वो यहाँ रख सकते हो, यानी जो चीज आपको ज्यादा ठंडी चाहिए। फल फ्रूट है, वो आप यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। ये स्लाइडर है, जैसा ड्रॉर निकाल दिए, ये भी स्लाइडर है, मैंने आगे बड़ा भगोना रखा, पीछे को छोटा डब्बा रखा आराम से निकालने के लिए, अब यहाँ पे तो बड़ा मुश्किल होगा, इसको आगे करो और निकाल लो। कभी इसको साफ सफाई करनी है आपको महीने दो महीने में, निकालना आसान है, जैसे नॉर्मल ड्रॉर निकालते हैं, आगे से ऊपर उठाओगे बाहर निकाल लोगे, ठीक है। साफ सफाई की, ऐसे इसको लगा, ये भी ऐसे निकला, ये भी ऐसे निकला, ठीक है। लगाने का सेम तरीका वही, ठीक है। नीचे की बास्केट है, वेस्ट बास्केट, ये भी स्लाइडर है, क्लियर। फिलहाल तो भेजी क्लियर ही है। एक हमें फ्रिज कैसे बनाएंगे, अगर ऊपर वाले को फ्रीजर का, ये फ्रीजर ना बना के फ्रिज बनानी हो तो? बीच वाला बटन दबाना है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर सारा, ये कन्वर्ट हो जाएगा, इसको प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको करेंगे तो ये आ जाएगा, यानी पावर फ्रीजर और इसका पावर कूलर, ऊपर की लाइट ऊपर के लिए, नीचे वाली लाइट नीचे के लिए। अच्छा, और अगर कन्वर्ट करना है तो बीच वाला बटन दबाएंगे तो ये वाला बटन प्रेस हो जाएगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, यानी फ्रीजर आपका ऑफ हो जाएगा, केवल पूरा ऊपर नीचे फ्रिज बन जाएगा। ये जो बॉक्स दिखा रखा है यहाँ पर, ये पूरा फ्रिज दिखा दिया इसने यहाँ पर, ये जो दो बॉक्स है ऊपर और नीचे, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाली लाइट और ये सब बंद हो जाएगी, सिर्फ ये चलेगी। बोलिए, सात नंबर वाली यार, वो बीच वाली माइनस पंद्रह एक वो और बीच में डालनी है, लाइट आया इतना।
कॉर्नर पे ना लेफ्ट साइड में जो दे रखा है ये पूरा फ्रीजर का कंट्रोल है, मतलब फ्रीजर को आप कितना फ्रीज करने की कैपेसिटी में करना चाहते हो। लाइक इसमें -15 डिग्री सेल्सियस है, -17 डिग्री सेल्सियस है, -19 डिग्री सेल्सियस। सेकंड चीज़ यहाँ पे फ्रिज के लिए भी मिला है ये चीज़, 1 डिग्री सेल्सियस है, 2 डिग्री सेल्सियस से लेकर 7 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर जा रहे हैं। डबल क्लिक करके रखना है, देखो जैसे अगर डबल क्लिक करके रखोगे ना तो नॉर्मली ये जो है ना ये फ्रिज जो है बूस्ट अप हो जाएगी। सबसे पहले मेरे को ये फ्रिज का, मैंने दोनों को फ्रिज बना रखा है ठीक है, तो मैं इसको पहले नॉर्मल कर देता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ। देखो नॉर्मल हो गई है, दोनों तरफ अलग अलग लाइट्स को डबल क्लिक करके रखूंगा ना तो यहाँ पे जो फ्रीजर होगा ये बूस्ट अप हो जाएगा ठीक है, फ्रीजर की पावर ज़्यादा तेज हो जाएगी। अब यहाँ फ्रिज पे भी यही चीज़ दिखा देता हूँ, ये देखो सबसे पहले यहाँ पे आइस का जो है ना ये लाइट अप हो चुका है ठीक है। सेकंड मैं फ्रिज पे कर देता हूँ जो पावर कूल 3 सेकंड के अंदर ये लिखा हुआ है यहाँ पे ठीक है, तो मैं इस पर भी क्लिक करके एक बार दिखा देता हूँ आपको। इस पर मैं नॉर्मली मेरे को क्लिक करके रखना पड़ेगा, वाटर ड्रॉप है वो भी थोड़ी लाइट अप हो चुकी है ठीक है, तो नॉर्मली ये भी बूस्ट अप हो चुका है नीचे का फ्रिज का सेक्शन और ये ऊपर वाला सेक्शन भी हो चुका है। सेकंड चीज़ मैं इसको ना नॉर्मली अप कर देता हूँ, मैं इसको क्लिक करके रखूंगा तो ये नॉर्मली फ्रिज बन जाएगी दोनों तरफ से ठीक है, ये दोनों तरफ फ्रिज बन चुके हैं। वैसे ये बूस्ट अप है, अब इसको नॉर्मल कर देते हैं। अब सेकंड चीज़ मैं इसके बारे में बता देता हूँ, ये 3 स्टार है तो पावर सेविंग गाइड के बारे में इसको बता रखा है 3 स्टार है, और इसका जो ईयरली एनुअली जो इसका कंजप्शन है वो 199 है, जो मे बी शायद इन्होंने टेस्ट कर रखा होगा ठीक है, इसका ये मॉडल नंबर दे रखा है। और सेकंड चीज़ ये 275 लीटर की हमें स्टोरेज जो वॉल्यूम मिल रही है इसमें 255 मिल रही है। 10 साल की इसकी वारंटी दे दी गई है इस पर कंप्रेसर पे, बाकी 1 साल की वारंटी दी है इसकी बॉडी पे। कनेक्ट इन्वर्टर है, अगर आप इस पर इन्वर्टर चलाते हो तो 2 CFL बल्ब की पावर का ये कंजप्शन करेगा। स्टेबलाइजर लगाने की इसमें कोई ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी क्योंकि इसमें ऑलरेडी प्रीफिक्स आता है ठीक है। 21 साल की रिलायबिलिटी है कि 21 साल तक ये चल जाएगा, इतना ड्यूरेबल मे बी शायद इन्होंने देखा होगा ठीक देखा होगा तभी जाके इन्होंने मेंशन कर रखा है, तो वो चीज़ें इन्होंने बता रखी है कि 21 साल की इसकी ड्यूरेबिलिटी है। सेकंड चीज़ मैं इसका आपको वो दिखा देता हूँ, ये ऊपर का हमें सेक्शन कैसा मिल रहा है देखो, प्रॉपरली ये कन्वर्टेबल है तो ऊपर मेंशन कर रखा है, 3 स्लॉट ऊपर दे रखे हैं जहाँ से एयर आ रही है और 3 स्लॉट नीचे दे रखे हैं। ये आइस क्यूब का है, आइस मेकर का ठीक, इस पर रखा कुछ नहीं है वैसे, खाली पड़ा है पूरा, बिकॉज मैं ये 1 हफ्ते के बाद इसका रिव्यू कर रहा हूँ। बाकी नीचे का सेक्शन आप देख सकते हो, ये अंडे ट्रे वगैरह सब दे रखे हैं इसके अंदर, फ्रेश रूम ये दे रखा है हमें और इजी स्लाइड वगैरह दे रखा है कि आराम से स्लाइड हो जाएगी। बाकी इसके टेक्सचर मैं आपको दिखा देता हूँ, कितने अच्छे टेक्सचर दे रखे हैं इसके एजेस आप देख सकते हो, मतलब ऑल इस प्राइस में ना आपको इससे बेटर, इससे किफ़ायती शायद ही कहीं मिलेगा। वैसे भी सैमसंग का प्रोडक्ट तो लाइक रिलायबिलिटी तो चलती है क्योंकि सैमसंग खुद के नाम से जानी जाती है। सेकंड चीज़ एजेंट भी यही बोल के गए थे कि लाइक इतने प्राइस में इतना अच्छा प्रोडक्ट मिलना बहुत बड़ी बात है, तो यही चीज़ है। बाकी इस वीडियो को एंड करते हैं यहाँ पे, और ये हमारा पहला रिव्यू था, बाकी एंड करते हैं।